हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पिता की मृत्यु के बाद भाइयों के बीच संपत्ति विभाजन का मुद्दा, एक वसीयत के तहत विरासत। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। एक वसीयत या वसीयतनामा एक व्यक्ति की इच्छाओं को व्यक्त करते हुए एक कानूनी घोषणा है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल है जो वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं और मृत्यु पर मृतक की संपत्ति का हस्तांतरण प्रदान करते हैं। यदि एक पिता टेस्टेटर वसीयत पीछे छोड़ देता है तो संपत्ति भाइयों के बीच वितरित की जाएगी। एक निष्पादक को वसीयतकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक से अलग माना जाता है। व्यक्तिगत कानून के अनुसार विरासत, भारत में विरासत और जिस तरीके से मृत व्यक्ति की संपत्ति को वितरित किया जाना है वह उत्तराधिकार के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां ऐसे व्यक्ति या मृत व्यक्ति के इरादे की घोषणा करने वाले समकक्ष दस्तावेज नहीं होते हैं, हिंदू कानून के तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 और 9 हिंदू नर की मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण को नियंत्रित करती है। एक हिंदू के बिना वसीयत मरने पर संपत्ति कक्षा 1 के उत्तराधिकारी को जाती है जो अन्य सभी उत्तराधिकारियों के अपवाद के बाद संपत्ति ले लेता है, और यदि कक्षा 1 नहीं तो कक्षा 2 वारिस को जाती है। उदाहरण के लिए, यदि पिता अपनी पत्नी और 4 बेटों को पीछे छोड़कर मर जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बराबर हिस्से का वारिस होगा, यानी प्रत्येक को पिता की संपत्ति का 5वां हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम कानून में जन्म से पैतृक संपत्ति या इस तरह के अधिकारों की कोई अवधारणा नहीं है। इस्लाम यह मानता है कि व्यक्ति वसीयत अपने पीछे छोड़ सकता है, लेकिन एक वसीयत जब तक वसीयत पीछे छोड़ने वाले व्यक्ति के सभी वारिस द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, मृतक की संपत्ति के 1/3 हिस्से तक ही मान्य है। जैसा कि यह मान्य है यह भारत में वसीयत के लिए लागू नियमित कानूनों द्वारा शासित है। एक मुस्लिम पत्नी को बेदखल नहीं किया जा सकता है, भले ही उसे एक से अधिक पत्नी होने पर अन्य पत्नियों के साथ साझा करना पड़े। विधवा को एक निश्चित हिस्सा मिलता है। मुस्लिम कानून पुरुष वारिस बेटों को महिला बेटियों से दुगना हिस्सा देता है। वितरण की कानूनी प्रक्रिया, मृतक द्वारा छोड़ी गई किसी भी संपत्ति का दावा करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ऋण बकाया नहीं है। सभी वारिसों को पहले ऋण को चुकाने की रणनीति तैयार करने के लिए सहमत होना होगा। यदि संपत्ति उनके पिता द्वारा छोड़ी गई वसीयत के अनुसार भाइयों के बीच वितरित की जानी है तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वसीयत में कोई अस्पष्टता नहीं है और किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचने के लिए कानूनी सलाह मांगी जानी चाहिए। वसीयत में स्पष्टता की कमी बाद के चरण में गंभीर कानूनी जटिलताओं का कारण बन सकती है, जिसे शुरुआत में सही दिशा में काम करके बचाया जा सकता है। यदि कोई वसीयत नहीं है तो एक संपत्ति को विभाजन विलेख या पारिवारिक निपटारे के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। विभाजन का मुकदमा, संपत्ति के संबंध में किसी एक या सभी भाइयों द्वारा विभाजन का एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। संपत्ति के लिए
एक विभाजन विलेख अलग अलग लोगों में आमतौर पर परिवार के सदस्यों के बीच निष्पादित किया जाता है। पारिवारिक निपटान प्रक्रिया। एक पारिवारिक निपटान एक समझौता है जहां पारिवारिक सदस्य पारस्परिक रूप से कार्य करते हैं कि संपत्ति को अपने बीच कैसे वितरित किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और विवादित संपत्ति के हिस्से का दावा करना चाहिए। पारिवारिक निपटान एक समझौता प्रक्रिया है जहां एक तीसरा व्यक्ति आमतौर पर एक वकील या एक वरिष्ठ परिवार सदस्य परिवार को संपत्ति विवाद के पारस्परिक स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने में मदद करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।